पहले तो आप ये देखिए, ये है ना कितने क्रिस्पी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। डागर की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि नवरात्रि व्रत आने वाले हैं और नवरात्रों में हम सभी बाहर से या तो चिप्स लेके आते हैं या फिर जो लच्छा नमकीन होते हैं वो लेके आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में लच्छा नमकीन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आप बाज़ार से लाना बिल्कुल ही भूल जाओगे। ये रेसिपी आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये तीन आलू लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आलू का छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद तुरंत ही हम इसे पानी में डालते जाएंगे। तो हमें इन्हें छिलका निकालने के बाद बाहर नहीं रखना है, पानी के अंदर ही रखना है। तो इन्हें हम पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए फ्रेंड्स, हम इन्हें यहाँ पर ये ग्रेटर लिया है और ग्रेट करने का भी एक तरीका है, आपको इसे इस मोटी वाली साइड से ही ग्रेट करना है, बारीक साइड से नहीं करना है, इसी वाली साइड से करना है। और जो आलू हैं उनको एक तरफ ही ग्रेट करना है, ना कि ऐसे करना है जैसे हम गाजर और मूली को करते हैं, सिर्फ एक साइड में ही हमें इन्हें नीचे की तरफ ग्रेट करते हुए जाना है क्योंकि हम इनके बड़े बड़े लच्छे निकाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सभी आलूओं को जितने भी थे मैंने उन्हें ग्रेट कर लिया है, उनके लच्छे निकाल लिए हैं। तो निकालने के बाद अब हम इन्हें पानी के अंदर ऐड करते जाएंगे और पानी में हम इन्हें अच्छे से क्लीन करेंगे, और जब तक क्लीन करेंगे जब तक कि इनका स्टार्च ना निकल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इन्हें बनाने का। अगर आपके पास में ग्रेटर ना हो तो फिर आप इस तरीके से आलू की पतली पतली लेयर्स कट कर लें, चिप्स टाइप में कट करके उन्हें एक साथ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके किसी नाइफ से, चाकू से, जो भी है उससे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से काट लें जिस तरीके से मैं इन्हें कट कर रही हूँ। तो ऐसे भी आप लच्छा नमकीन बना सकते हो आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हमने कर लिया है। इसे करने के बाद वही जो वो पानी है उसमें हमें इसे कम से भी कम 3 से 4 बार अच्छे से क्लीन करना है। जब तक करना है जब तक कि जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर ना दिखने लग जाए कि इसमें जितना भी स्टार्च है वो पूरा निकालना है हमें। ये मेन प्रोसेस है। इसे करने से जो भी आपके लच्छा नमकीन है वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, एकदम वाइट बनकर तैयार होंगे बहुत अच्छे। तो देखिए, इन्हें अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके ये जो नमकीन है ये एकदम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, साथ में बिल्कुल भी ये काले नहीं पड़ेंगे। तो वो ट्रिक है ये नींबू का रस। आप इसमें एक नींबू का रस ऐड करें और इसे आप 30 मिनट के लिए मिक्स करके, इसमें नींबू के रस को मिक्स करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इसमें 5 से 6 आइस क्यूब डाल दें और फिर आप इसे 15 मिनट बाद ही यूज़ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर इन्हें छोड़े हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी हैं और मैं इन्हें जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें आइस क्यूब ऐड की थी। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें जो इसका पानी है उसे निकाल लेंगे और पानी को निकालने के बाद हम कोई भी टावल लेंगे, या तो आप किचन टावल ले सकते हो, किचन टावल छोटी रहेगी, कोई बड़ी टावल लें, या फिर कोई भी सूती कॉटन का कपड़ा ले सकते हो। उस पर हमें इन्हें ड्राई करना है, सुखाना है। तो सुखाने के लिए आप इन्हें धूप में ना रखें, पंखे की हवा में ही प्लस 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट में ही ये बिल्कुल एकदम अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए, अभी मुझे इन्हें यहाँ पर छोड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट में जो हमारे ये लच्छे हैं, मतलब आलू के जो लच्छे हैं, वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स गैस की तरफ। ऑयल को हमने यहाँ पर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे गर्म करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू के लच्छों को। तो इस स्टेज पर फ्रेंड्स, आप जो गैस का फ्लेम है उसे लो टू मीडियम ही रखें या फिर लो ही रखें। अगर आपके पास में हैवी बॉटम की कढ़ाई है तो फिर आप उसे हाई भी रख सकते हो, वरना आप लो टू मीडियम गैस पर ही इसे अच्छे से फ्राई करें।
और हाँ फ्रेंड्स, जब तक कि इसमें ये बबल्स आ रही हैं तब तक आप इन्हें ना हिलाएं। जब ये बबल्स आने ख़त्म हो जाएं फिर आप इन्हें हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर आलू के लच्छे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हम इतना फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें किसी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। नमकीन को फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल हैं, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग लें, जो भी आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से सिर्फ ये है कि जो आपके नमकीन हैं वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे नमकीन लगभग 90% बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें फ्राई भी कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी फ्राई कर लिया है। बस अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले भी हम इसमें वर्त वाले ही ऐड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें उन ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए थे। तो इन्हें ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक। तो ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट की जगह पर वर्त वाला नमक भी ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चाट मसाला, तो ये भी फ्रूट मसाला है, तो फ्रूट वाला ही ऐड कर रही हूँ, आपको भी यही करना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये शुगर पाउडर, तो शुगर पाउडर यहाँ पर ऐड करनी ऑप्शनल है। शुगर पाउडर ऐड करने से वही टेस्ट आएगा जो आपको मार्केट वाले नमकीन में आता है, खट्टा मीठा। मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप इन नमकीन को एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये फलहारी नमकीन बच्चों को बड़ों को बेहद पसंद आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आपको आज की ये नमकीन वाली रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करने में कोई कंजूसी ना बरतें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नवरात्रि से पहले फलहारी नमकीन ज़रूर ट्राई करें।